एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस किड्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंस सीखने वाले हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है, बहाने मत बनाओ। इसका इंग्लिश क्या होगा? बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूज। क्या होगा? डोंट मेक एक्सक्यूज। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। थर्ड वन, ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्रीसी, डोंट एक्ट सो प्रीसी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नॉट यूज गोइंग देयर, इट्स नो यूज गोइंग देयर। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज, मुझे नींद आ रही है, I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. Now next one, उसे गाली मत दो, don't abuse him or her. Okay? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, please don't embarrass me. शर्मिंदा का इंग्लिश क्या होता है? Embarrass. Okay, next one is, इसे अपनी ही चीज़ समझे, it's all yours. It's all yours. Next one, उसके जिम्मेदार तुम हो। हम लोग बोलते हैं ना, उसके जिम्मेदार तुम हो, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक शावर, लेट मी टेक शावर। नेक्स्ट वन, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ आस्किंग हिम। नेक्स्ट वन, हमारे साथ आओ, कम विथ अस, कम विथ अस। नेक्स्ट वन, तुम इससे बच नहीं सकते, यू कॉन्ट एक्सकेप यू फ्रॉम दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्या कहा तुमने? हम लोग बोलते हैं ना, क्या कहा तुमने, तो आप लोग इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? वट डिड यू से, What did you say? Next one, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, Use your brain, use your brain. Next one, केक तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे, The cake will take 15 minutes to prepare. Now come to the next one, पानी भरकर बह रहा है, नल बंद करो। हम लोग जब भी अपने बाथरूम में टैप को खोलते हैं तो बकेट से ज़्यादा पानी फ्लो होने लगता है, तो उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? द वाटर इज रनिंग ओवर, टर्न द टैप ऑफ। आई रिपीट, द वाटर इज रनिंग ओवर, टर्न द टैप ऑफ। यहाँ पे नल को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? टैप बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, चाय को गर्म कर दो, हीट अप द टी, हीट अप द टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्या मैंने आपको सही समझा? डिड आई गेट यू राइट, Did I get you right? Now next one, चलो कुछ नया सीखते हैं, Let's learn something new. कुछ नया सीखने को कहेंगे इंग्लिश में, Let's learn something new. मेरे हाथ में झुनझुनी आ गई है, My arm has gone to sleep. Next one, इसे दिल पर मत लो। हम लोग बोलते हैं ना कि जब कोई गुस्सा आता है तो फिर हम लोग किसी बात को ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Don't take it too hard. Don't take it too hard. Now come to the next one. यह घर हमें 10 लाख रुपए में पड़ा, This house cost us 10 lakh rupees. This house cost us 10 lakh rupees. Now come to the next one. मैं परेशानी में हूँ. I am in trouble. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मुझे चोट लगी है। जब चोट लग जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई हैव गॉट हर्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है, तो इसका क्या होगा इंग्लिश में? हम लोग कैसे बोलेंगे? योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ अनियन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, यहाँ कूड़ा मत करो, डोंट लिटर देयर, डोंट लिटर हेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं, The children next door make a lot of noise. Now come to the next one. वह लगभग 5 फुट लंबा है,
तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, ही इज़ अबाउट 5 feet tall. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हम लगभग 5 बजे पहुँचे. वी रीच एट अबाउट 5 o'clock. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ये मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट. जब हम लोग बोलते हैं नहीं ये मेरी गलती नहीं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स नॉट माई फॉल्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, इसे कम करो, रिड्यूस इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, यह थोड़ा महंगा है, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव. क्या हम अच्छा है, क्या सॉरी क्या यह अच्छा है, इसका इंग्लिश क्या होगा, इज इट गुड. ऐसे मत करो, नेक्स्ट वन, ऐसे मत करो, डोंट डू दैट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हमारी बोलचाल बंद है. अगर हमारी बात किसी से नहीं हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर नॉट एन टॉकिंग टर्म, वी आर नॉट एन टॉकिंग टर्म. तैयार हो जाओ, गेट रेडी. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हमारी तूतू मैं हो गई. अगर किसी से हमारी बहस हो जाती है, तूतू मैं हो जाती है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी एक्सचेंज द हॉट वर्ड. ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन, मुझसे इस तरह से बात मत करो, मुझसे इस तरह से बात मत करो. डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस. ये आप लोग का 40 इंग्लिश सेंटेंस है जो कि डेली यूज़ आते हैं. तो